फ्रेंड्स, बहुत सारे नए राइटर्स के मन में एक डाउट रहता है कि जो फिल्में बनती है वो 2 से 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे की होती है, तो आखिर उतने घंटे की फिल्म को बनाने के लिए उसकी स्क्रीन प्ले जो है वो कितनी पेजेस में लिखी होनी चाहिए? क्योंकि जब एक नया राइटर स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठता है, स्क्रीन प्ले लिखने के लिए बैठता है, तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो कितने पेजेस लिखेगा कि फिल्म का 2 घंटा या 2.5 घंटा कवर हो पाएगा, या फिर वो कितने सीन्स लिखेगा कि फिल्म का 2 घंटा 2.5 घंटा या फिर 3 घंटा कवर हो पाएगा। तो आज का वीडियो जो है ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है, और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी रूल बताने वाला हूँ जिसे थंब रूल कहा जाता है, जो स्क्रीन प्ले में अप्लाई होता है। तो अगर आप नए राइटर हैं, आप थंब रूल को जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि स्क्रीन प्ले में कितने पेजेस लिखे, कितने नंबर ऑफ सीन्स लिखे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप अच्छे से स्क्रीन प्ले को नहीं लिख पाएंगे और स्क्रीन प्ले की लंबाई, स्क्रीन प्ले की लेंथ आप प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रीन प्ले की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थंब रूल को समझना पड़ेगा। थंब रूल क्या है स्क्रीन प्ले राइटिंग में? जैसे आप जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो आपने जब एक पेज लिखा तो वो एक पेज लगभग फिल्म का 1 मिनट कवर कर पाता है। तो सपोज आपने अगर 10 पेजेस लिखे तो एवरेज में अगर देखा जाए तो एवरेज में आपके फिल्म में 10 मिनट कवर हो जाएंगे, यानी जब फिल्म शूट होगी और एडिट होगी तो लगभग 10 मिनट का सीन उसमें बन पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप सपोज 2 घंटे की फिल्म बनाना चाहते हैं तो 2 घंटे की फिल्म के लिए आपको लगभग 110 से लेकर 130 पेजेस लिखने होंगे अपने स्क्रीन प्ले में। पर हाँ, याद रखिए कि एक बस अंदाज़ा है, क्योंकि बिना अंदाज़ा के आप अच्छे से स्क्रीन प्ले को नहीं लिख पाएंगे। जब स्क्रीन प्ले लिखी जाती है उसके बाद फिल्म को शूट किया जाता है और उसके बाद फिर एडिटिंग में डिसाइड किया जाता है, जो डायरेक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि किस सीन को रखना है, किस सीन को हटाना है और फिल्म को कितने टाइम का, टाइम ड्यूरेशन का बनाना है। तो जब भी आप स्क्रीन पे लिखें तो आप इस थंब रूल को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप 2 घंटे की पिक्चर लिखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लगभग 110 से 130 पेजेस लिखने होंगे। तो इस हिसाब से आप एक एवरेज ले सकते हैं कि आपके स्क्रीन प्ले का एक पेज फिल्म का 1 मिनट कवर कर पाएगा। अब बात करते हैं कि स्क्रीन प्ले में जो सीन्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ सीन्स पूरे फिल्म में कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ सीन्स वो डिपेंड करता है कि सीन्स जो है वो कितने लंबे हैं, यानी अगर सपोज 2-2 मिनट के सीन्स है या छोटे छोटे सीन्स है तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ सीन्स जो है वो ज़्यादा होंगे। अगर सपोज सीन्स 5 मिनट्स के है, लंबे लंबे सीन्स है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ सीन्स जो है वो कम होंगे। तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि एक एवरेज फिल्म में लगभग 40 से 80 सीन्स के लगभग में होती है, चाहे सीन लंबी लंबी हो या फिर सीन्स जो है वो छोटी छोटी हो। तो आप अपने स्क्रीन प्ले को देख करके अंदाज़ा लगा ले कि अगर आपने छोटे छोटे सीन्स लिखे हैं तो लगभग आपकी स्क्रीन प्ले जो है उसमें 60 से 80 सीन्स होंगे, और आपने अगर लंबे लंबे सीन्स लिखे हैं तो लगभग आपकी स्क्रीन प्ले में 30 से 60 सीन्स होंगे। तो जो रूल मैंने आपको बताया इसके अनुसार मैंने आपको एक एवरेज बता दिया। आप इसके अनुसार अपने स्क्रिप्ट का एक एवरेज डिसाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीन्स डिसाइड कर सकते हैं और कितने पेजेस आपको लिखना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में डायरेक्टर एडिटिंग के समय डिसाइड करते हैं कि किस सीन को रखना है, किस सीन को हटाना है, उस हिसाब से फिल्म की टाइम ड्यूरेशन सेट होती है। तो नए राइटर्स ने आज बहुत कुछ सीखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।